पाकिस्तान के मुंह से छीन लेगा पीओके। पहली बार जान लीजिए मोदी का सीक्रेट प्लान। अब देखता रह जाएगा पाकिस्तान, भारत दिखा जाएगा कमाल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी तब से ही चली आ रही है जब से पाकिस्तान बना है, और उनकी दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है पीओके, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो तो है भारत का लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा जमाए बैठा है। इसे हासिल करने के लिए भारत अपना पूरा जोर लगा रहा है। वहीं भारत की ये कोशिश दोनों देशों में दुश्मनी की लकीर खींच देती है। ये दुश्मनी तब और बढ़ गई जब भारत की केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। इस धारा के हटते ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत सरकार के इस कदम से पाकिस्तान बौखला उठा था, लेकिन मोदी सरकार को पाक के ऐसे रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी नजर अब पीओके पर टिकी हुई है। मोदी सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना तो हमारा एक छोटा सा कदम है, इसके आगे तो बहुत कुछ होने वाला है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। वो बहुत जल्द ही पाकिस्तान के मुंह से पीओके छीन लेंगे, यहाँ तक कि अगर उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे, और ऐसा वो बहुत जल्द करके दिखाएंगे। भारत की धमकी से पाकिस्तान कपकपा गया है, क्योंकि वो जानता है कि जब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन फिर भी आम मन में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर मोदी सरकार क्या प्लान करने की तैयारी कर रही है? क्या वो कोई युद्ध की तैयारी कर रही है या फिर उसकी कोई बड़ी प्लानिंग है? ये जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि कैसे धोखेबाज पाकिस्तान ने हमसे हमारा पीओके छीन लिया था और कैसे हम इसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों, पीओके पर पाकिस्तान ने साल 1947 से ही कब्जा किया हुआ है, तब से ही इसे पीओके कहा जाता है। 2.22 लाख स्क्वायर में फैले जम्मू कश्मीर का एरिया इसके 3% हिस्से पर यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान का कब्जा है। वहीं इसके 10% हिस्से यानी कि 37,555 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। वहीं बाकी का बचा 60% भारत के हिस्से में है। जब हमें आजादी मिली तब अंग्रेजों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत पाकिस्तान दोनों में से कोई भी देश चुनने की आजादी दे दी। इसके साथ ही कहा गया कि अगर वो किसी देश में नहीं मिलना चाहते हैं तो वो आजाद रह सकते हैं। इस विकल्प के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया। वहीं कुछ रियासतों का विलय कराने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। उन रियासतों में हैदराबाद, भोपाल और जम्मू कश्मीर रियासत अहम थी। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि साल 1935 में ब्रिटेन ने जम्मू कश्मीर के हिस्से को गिलगित एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह को लौटा दिया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने विलय के लिए भारत को चुना, लेकिन उन्होंने ये फैसला लेने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात नागवार गुजरी। उसने कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए हमला बोल दिया। पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीरियों ने हरी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस विद्रोह से निपटने के लिए हरी सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी, तो भारत ने उन्हें शर्तों पर मदद देने का भरोसा दिया। शर्त के अनुसार जम्मू कश्मीर को भारत के राज्य के तौर पर खुद को स्वीकार करना था, और भारत को रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे कुछ हक देने की बात कही। हरी सिंह ने इसे कबूल किया, लेकिन तब तक विद्रोहियों ने एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। बाद में सियासत को देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आजाद घोषित किया। तब से ये इलाका आजाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। इस हिस्से में गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है, इसके साथ ही जम्मू का हिस्सा भी शामिल था। इसी संपूर्ण भूभाग को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहने लगा, जबकि भारत इसे गुलाम कश्मीर मानता है यानी पाकिस्तान एक्युपाइड कश्मीर। दोस्तों, अप्रैल 1947 तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित के मामलों को सीधे पाकिस्तान के संघीय सरकार के अंडर कर दिया। इतना ही नहीं, साल 1962 के चीन और भारत के युद्ध के बाद पाकिस्तान साल 1963 में पीओके का कुछ हिस्सा गिफ्ट कर दिया था, जिसे गिफ्ट चाइना भी बोला जाता है। यह हिस्सा 1900 वर्ग मील से भी ज्यादा है। उसके बाद पाकिस्तान पीओके के भी दो हिस्से कर देता है, एक का नाम रखा आजाद कश्मीर, दूसरे का नाम रखा गिलगित बाल्टिस्तान। यहाँ पाकिस्तान ने चालाकी दिखाते हुए पीओके का 85% हिस्सा
गिलगित बाल्टिस्तान बना दिया। इसके बाद साल 1994 में भारत ने एक रेजोल्यूशन अपनाया और कहा पाकिस्तान को पीओके वाले क्षेत्र को खाली करना होगा। वहीं साल 2019 में भारत ने कहा कि अब भारत से बात नहीं होगी, अगर होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद तो पाकिस्तान मानो बौखला गया है। दोस्तों, पीओके भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो इसकी स्थिति से है। चीन और पाकिस्तान जो अभी एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं वो पीओके के कारण है। अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के बीचों बीच हिंदुस्तान जाकर खड़ा हो जाएगा। इस बदलाव के बाद चीन और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार पर भी सीधे सीधे असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच ज्यादातर व्यापार सड़क मार्ग पीओके के बीच से ही निकलता है। वहीं चीन का सीपैक प्रोजेक्ट भी ऐसा होने से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक भी पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से ही होकर जा रहा है, जिसके चलते चीन के लिए उसका ड्रीम प्रोजेक्ट सीपैक बीच में ही लटक जाएगा। इससे न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी भारी भरकम आर्थिक नुकसान होगा। फिर चीन के पास पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए एक अदद समुद्री रास्ता ही बचेगा, जो चीन के लिए बेहद लंबा और खर्चीला साबित होगा, और इस बदलाव का भारत को पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भारत कई दूसरे देशों की सीमाओं के पास पहुंच जाएगा, जैसे पाकिस्तान तो है ही, उसके पास अफगानिस्तान और चाइना से भी वो बॉर्डर शेयर कर पाएगा। दोस्तों, पीओके प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जगह है, फिर चाहे बात हाइड्रो पावर पोटेंशियल की हो या फिर अन्य किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन की। यहाँ सोना, कोयला, चोक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट आदि पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल इस सब का लाभ पाकिस्तान के बजाय चीन को मिल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर से सोना निकालने की बात हो या फिर प्लेटिनम, कोबाल्ट और अन्य बेशकीमती प्राकृतिक धातुएं तलाशना हो, सब कुछ पाक अधिकृत कश्मीर की जमीन में मौजूद है, जो चीन की मोटी सालाना आय का एक मजबूत जरिया है। अगर भारत पीओके को वापस हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान उतना नुकसान में नहीं रहेगा जितना कि आर्थिक तौर पर और भौगोलिक तौर पर चीन की कमर टूटेगी। वहीं भारत के लिए यहां पर्यटन का भी एक बड़ा जरिया खुल जाएगा। इसके साथ ही पीओके भारत के पास पहुंचते ही उसके और अफगानिस्तान के बीच सड़क मार्ग में रोड़ा बन रहा पाकिस्तान खुद ही रास्ते से गायब हो जाएगा। इसके अलावा भारत का मध्य एशियाई देशों से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क भी बन जाएगा। दोस्तों, यहां से सवाल खड़ा होता है कि आखिर आज तक भारत पीओके को वापस क्यों नहीं हासिल कर पाया है। दरअसल दोस्तों, पीओके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत वहां कुछ कर नहीं पाता है। इसके अलावा भारत की पॉलिसी रही है कि वो नो फर्स्ट अटैक की नीति पर चलता है और अब तक की हर सरकार इस पर कायम रही है। लेकिन यहां अगर पाकिस्तान पहले कोई युद्ध छेड़ देता है तो भारत के पास पीओके को हासिल करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ की कई नॉन कश्मीरी जनसंख्या अपने आप को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाती है, जिसके चलते भारत को यहाँ विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही चीन भारत को यहाँ कब्जा करने से रोकेगा, क्योंकि उसकी यहाँ से गुजरने वाली वन बेल्ट और वन रोड प्रोजेक्ट को नुकसान होगा, उसके सीपैक प्रोजेक्ट को भी नुकसान होगा। ऐसे में चीन भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही परमाणु लैस देश हैं, तो यहाँ हमला करने का मतलब है एक महायुद्ध छिड़ना। ऐसे में उसे दूसरे ऑप्शन देखने होंगे, जैसे भारत पीओके एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जाइल सेटअप कर सकता है, जिसमें पीओके रिफ्यूजी भाग ले सकते हैं, जिससे पीओके रिफ्यूजी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो अपनी बात खुलकर रख सकेंगे, क्योंकि पीओके की जनता ने कई बार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ इस आवाज का भारत फायदा उठा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके की 24 सीटें रिजर्व हैं, जो अभी खाली हैं। धारा 370 हटाने के बाद इन सीटों को भरा जा सकता है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान की जनता भी पाकिस्तान से परेशान है, उनका सपोर्ट भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। इसके साथ ही तालिबान की पाकिस्तान से खींचतान चल रही है, वहीं भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। इस सपोर्ट का भारत पाकिस्तान के खिलाफ फायदा उठा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत अपने कुल बजट का 35% हिस्सा डिफेंस पर ही खर्चा करता है, जिसमें जम्मू कश्मीर पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। अगर पीओके को हासिल करने के लिए जोर लगाएंगे तो इसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी और देश की बाकी चीजों पर इसका असर दिखेगा। इसके लिए जरूरी है भारत पहले जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ाए। यहां का विकास ही पीओके को वापस लेने में मददगार साबित होगा।